आपस में संवाद नहीं हो पाती। तो समायोजन को बढ़ाइए, मेंटल हेल्थ को सुधारिए, ये सर का। और सर का ही देन है कि मनोविज्ञान विभाग 2017 से पहले यदि यहाँ पर कोई दीपक जल रहा था मनोविज्ञान विभाग में, तो डॉक्टर विनोद सर का ही देन है। और एग्जाम भी पहले कॉमर्स कॉलेज में होते थे प्रैक्टिकल एग्जाम, लेकिन विनोद सर का ही देन है कि यहाँ पर एग्जाम होते थे। 17 में जब मैं आया तो मुझे पता चला कि 1992 के बाद कोई परमानेंट फैकल्टी आया। समझ सकते हो कि हम इतने लंबे समय के बाद आए, लेकिन अब हमारा इतना साथी मिला, इतना हमारे बच्चे मिले। ये बच्चे देखो प्रत्यक्ष हैं, अप्रत्यक्ष भी हैं, जो घरों पर हैं, किसी कारण से नहीं आ पाए, उनका भी थैंक्स, जो कम से कम हमारे साथ जुड़े हैं। मैं अब इसी क्रम में आगे चीफ गेस्ट की तरफ जाऊंगा। मैं डॉक्टर एस डी मिश्रा सर, डॉक्टर रिसर्च एंड सर्विस पटना यूनिवर्सिटी पटना के, जहां से प्रोफेशनल कोर्स किए जाते हैं, और आप भी मास्टर डिग्री करने के बाद वहां पर जाके मास्टर प्रोफेशनल कोर्स करके आप हॉस्पिटल्स में, कॉलेज में, स्कूल्स में, एनजीओज में आप जाकर एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट के रोल में अपना करियर शुभारंभ कर सकते हैं। ये आपके पास अवसर है, मेहनत कीजिए। सर इसी क्रम में मैं डॉक्टर एस डी मिश्रा सर, इस ऐतिहासिक महाविद्यालय के इस सभागार में उपस्थित इस महाविद्यालय के सम्मानित ऊर्जावान एवं दूरदृष्टि रखने वाले, अपने आप को हर परिस्थिति से समंजित करने वाले प्राचार्य श्री डॉक्टर अवधेश कुमार जाधव जी, मनोविज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष, और इस कार्यक्रम से, और पहले भी मैं इस विभाग में आते रहा हूँ, आप लोगों को भी लग रहा होगा कि ये इस विभाग के विभागाध्यक्ष कितने ऊर्जावान हैं, कितने वाइब्रेंट हैं। श्री अश्विनी कुमार झा जी, हमारे वरिष्ठ बड़े भाई शिक्षक मंचा सिंह, श्री संजय जी ओम सर, और हमारे अन्य उपस्थित शिक्षक बंधु, मेरे प्रिय छात्रों, आज बहुत ही खुशी की बात है कि इस महाविद्यालय के प्रांगण में ऐसी महत्वपूर्ण विषय पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया है, एक अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। और इस अवेयरनेस प्रोग्राम को आयोजित करने के लिए इस महाविद्यालय के प्रचार और इस विभाग के विभागाध्यक्ष को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस सभागार में जितने भी छात्र उपस्थित हैं, वे सारे के साथ मनोविज्ञान विभाग के, मनोविज्ञान विषय के कितने छात्र हैं, हाथ उठाएं जरा। ओ, तो मैक्सिमम मनोविज्ञान विभाग के छात्र हैं। आप लोगों को एक नंबर देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों के मनोविज्ञान विभाग के छात्र होने के नाते आप लोगों की मेंटल हेल्थ के प्रति जागरूकता, समाज में जागरूकता बनाने के लिए अन्य विषयों के छात्रों की अपेक्षा आप लोगों की एक महती जिम्मेदारी है, आप लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा है, ताकि हमारे समाज में ऐसे लोग जो बहुत सारी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं और मेंटल हेल्थ को सुदृढ़ बनाने के लिए उन तक सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं, तो एक छात्र एक नंबर है जो भारत सरकार ने, जो 10 अक्टूबर को मेंटल हेल्थ दिवस मनाया जाता है, उस दिन भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने एक मानस टेली नंबर एक जारी किया था, जिस पर आप इस दूरभाष के सहारे आप मानसिक स्वास्थ्य
का लाभ ले सकते हैं, जिसका नंबर है 144-16, 144-16। मैं इसको पहले इसलिए लिखवा दिया कि हो सकता था कि मैं बाद में भूल जाता, इसी से इसको पहले मैंने लिखवा दिया। आज का जो थीम है इस मेंटल हेल्थ डे, तो 10 तारीख को मनाया जाता है, उसी को आज हम मना रहे हैं, और उसका थीम है साथ रहे आप लोग, उसका थीम है मेंटल हेल्थ इज ए यूनिवर्सल राइट। तो मेंटल हेल्थ पर तो बहुत चर्चा हुई हमारे छात्रों ने, छात्राओं ने, और हमारे कुछ शिक्षकों ने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में इतनी बातें कह दी कि सबको अगर एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो कहने के लिए बहुत कुछ बचता नहीं है। लेकिन इसको ह्यूमन राइट से जो जोड़ा गया है, इस पर चर्चा नहीं हो पाई किसी के द्वारा। तो इसको ह्यूमन राइट से क्यों जोड़ा गया, क्यों जरूरी था, इस पर चर्चा करना भी बहुत जरूरी है। तो हम थोड़ा सा मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बता देते हैं। ऐसे तो मानसिक स्वास्थ्य का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन इसमें इसका साइंटिफिक स्टडी मनोविज्ञान आने के बाद ही शुरू हुआ है। मनोविज्ञान तो सर फिलोसफी के हैं, तो जानते ही हैं कि मनोविज्ञान तो फिलोसफी से निकला हुआ है। तो मानसिक स्वास्थ्य का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन इस पर वैज्ञानिक अध्ययन बहुत बाद में शुरू हुआ, और आज ये इतना विकराल रूप ले चुका है कि हर 8 व्यक्ति में एक व्यक्ति किसी न किसी कारण से किसी न किसी प्रकार के मानसिक बीमारी से ग्रसित है। और चीफ गेस्ट प्रिंसिपल सर और इस विद्यालय के छात्र छात्राओं, मैं आप लोग को प्रणाम नमन करता हूँ। आज जो हम लोग इस कक्ष में उपस्थित हुए हैं, वह वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे को मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। और सभी बच्चों ने कहा, जैसे पता आप लोग को भी है कि 10 अक्टूबर 1992 को इस दिवस को मनाने के लिए शुरुआत हुई। और यह दिवस क्यों मनाते हैं, ये दिवस हम इसलिए मनाते हैं कि हमें मेंटल हेल्थ के प्रति जो है ना, जागरूकता फैला सके, हम एजुकेट कर सके लोगों को कि आज जो सबसे बड़ी समस्या बन गई है मेंटल है। ये मेंटल है दिखाई नहीं देती है, हर लोग कहीं ना कहीं जो है किसी भी समस्या से परेशान है, और वह इससे निकलना चाहते हैं। इसके लिए प्रॉपर काउंसलिंग भी हो रहा है। कहा जाता है कि ह्यूमन का जो वेलबींग है वह तभी वेलबींग हो पाएगा जब उसका फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ जो है वह सही रहेगा। और जब अगर फिजिकल और मेंटल हेल्थ सही रहेगा तो उसका एक जो है गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होगा वो काफी गुड होगा। और जैसा एक मैं जब पढ़ रहा था तो देखा कि WHO का सर्वे है कि पूरे वर्ल्ड में लगभग 8 लोग में एक लोग जो है मेंटल हेल्थ से शिकार है। उसी प्रकार हम देखें जो हमारा नॉर्थ ईस्ट एशिया है, उसी में जो भारत देखें तो वहां पर जो है 7 लोगों में एक लोग जो है मेंटल हेल्थ के शिकार है। क्योंकि ये मेंटल हेल्थ पता नहीं चलता है, हर लोगों के पास है, हमारे पास भी है। क्योंकि जो विद्यार्थी लाइफ होता है, कोरोना टाइम में तो और हो गया, लोगों की जो है नौकरियां चली गई, लोग स्ट्रेस में आ गए, विद्यार्थी का पढ़ाई छूट गया, पता नहीं चला क्या होगा नहीं होगा। तो ये समस्या आती है, मेंटल हेल्थ के प्रति हमें जागरूक होना है, लोगों को करना है, लोग एजुकेट करना है और इससे उबरना है। थैंक यू सर। Our personality, it is the component of our entire being that determines our action and how we perceive our surroundings. Even though mental health is a significant part of our life, it is still considered taboo to the openly talk about. Therefore, it is important that we as budding youth must raise awareness about this so-called taboo. This world, mental health day speech are used to talk about our mental health and normalizes having issues.
It also makes the notion of working towards our mental peace rather than fitting into society easier to accept. One small crack does not mean that you are broken. It means that you were put the list and you didn't fall apart. I stand by the belief that our mental health makes us who we are. Acceptance and ignorance makes for a great solution, as we all have a problem of the entirety of our being. A very hearty morning to the Honorable Chief Guests, all the faculty members present here, and my fellow students. I'm Sakshi, a student of class 10. I'm honored to have this delightful opportunity to talk about the social stigma around mental health. We all know how much of taboo mental health is, and because of that, people are suffering behind the closed doors of their homes, unable to seek help because they are scared of society opinion of them and how they were made to feel less than others. To combat this, reports October 10th is celebrate mental health and normalize having struggle with one mental health. Thank you. और मैं साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ और मुझे मौका मिला अपने स्पीच को अपनी बातों को यहाँ पे रखने की और मैं कोई रट्टा मार के या फिर कुछ खुद से बना के लिख के नहीं लाई हूँ. मैंने जो अपनी लाइफ में फील किया है, रियलाइज किया है, और मेरे साथ जितनी भी कुछ भी मैं चाहती हूँ कि मैं उन सबको आप सबके पास पहुँचाऊँ. और खुद को जैसे मैंने मोटिवेट किया, मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोग को भी मोटिवेट करूँ. जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि आज मानसिक तौर पे मानसिक बातें होंगी हमारी मेंटल हेल्थ के बारे में, और हम सबको ये भी पता है कि अगर हम मेंटली फिट एंड फाइन रहेंगे तो हम फिजिकली भी फिट एंड फाइन रहेंगे. और हमें रहना भी चाहिए, हमें पूरा हक है अपने आप को अपने जीवन में सुरक्षित रखने का. केवल ये नहीं कि हम अपने शारीरिक तौर पर ही हम स्ट्रांग हैं या फिर हम बेटर हैं, हम बहुत कुछ अपनी लाइफ में तरीके कर रहे हैं, और चाहे वो बड़े हों, छोटे हों, चाहे जो भी, हम सबको लाइफ जीने का हक है और उस लाइफ में इंजॉय करने का हक है. हम चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ को इंजॉय करके जिए, और इसके लिए हमें मेंटल हेल्थ से फिट होना चाहिए. कोई तो शारीरिक से बहुत स्ट्रांग है, जैसे सर ने अभी कहा कि शारीरिक तौर पे स्ट्रांग, वो रियल में स्ट्रांग नहीं होता. हमें मेंटली फिट एंड फाइन होना चाहिए, और उसके लिए हम खुद को ही मोटिवेट करें किसी के स्पीच से. हम तो स्पीच का लेने आए ताकि हम जैसे ही खुद को मोटिवेट किए वो आप लोगों तक आके पहुंच सके हमारी. और हम चाहते हैं कि जो हम अपनी लाइफ में फील किए हम आप लोग तक बता सके, इस बात को पहुंचा सके. और आप लोग बहुत सारे भी ऐसे होंगे जो सीनियर जूनियर यहाँ देखे भी जाते हैं, हर लोग के लाइफ में स्ट्रेस है, और हम उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए क्या करें. जैसे कि सर विकास सर ने अभी कुछ देर पहले कहा था हम लोगों से कि हमें योगा करना चाहिए मेंटली फिट एंड फाइन रहने के लिए. हमें लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, लेकिन हमें अपने माइंड को ये एक्सेप्ट करवाना है कि नहीं, हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आएंगी क्योंकि हम इसलिए हमारे लाइफ में लाइफ है, और जितने भी तक किसी की लाइफ होती है उसमें प्रॉब्लम्स आते ही आते हैं, लेकिन हम उस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है ये हमें आना चाहिए. जैसे कि हमें मेंटली अगर स्ट्रेस है तो हम किसी बात को लेके स्ट्रेस ना ले, जैसे कि जो होना होगा वो तो हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग हम लोग का सोल्यूशन भी निकल जाएगा. लेकिन हम लोग ये सोच सोच के खुद को अंदर ही अंदर खाए जा रहे हैं, खुद को अंदर वीक करे जा रहे हैं कि यार ये पता नहीं कैसे होगा. हम जिस समाज से बिलोंग करते, समाज में हम लीव करते रहते हैं, वहाँ के लोग लड़कियों में ज्यादा होता है ये लड़कियाँ कैसे ड्रेस पहन रही है, कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, उस समाज के बहुत सारे रीजन है जो हमें स्ट्रेस दे देती है, और अंदर अंदर जीते हैं और अपने माइंड में ये फिक्स कर लेते हैं कि हाँ ये है. लेकिन ये गलत है, हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए, और उसके लिए हमें योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए. हमारी कंट्री में ये कैसे फैल रहा है, एंजाइटी जैसे बीमारियाँ, डिप्रेशन, मेंटली बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती है, कुछ लोग तो सुसाइड भी कर लेते हैं. यहाँ तक मैं भी डिप्रेशन की शिकायत हुई थी, और मैं खुद ही खुद को मोटिवेट की, और आज मैं आप लोगों के सामने हूँ. और मैंने रियलाइज किया अपनी लाइफ में कि प्रॉब्लम को बार बार सोचने से, बार बार माइंड में रखने से, मतलब इसका सोल्यूशन नहीं हो जाता. यहाँ तक हम खुद ही अंदर अंदर वीक हो जाते हैं.